सोलन में भाजपा द्वारा भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में भाजपा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गाड़ी में LED लगाई गई है जिसके माध्यम से भाजपा की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि सोलन में भारत के मन की बात अभियान को आरंभ किया गया है। इस अभियान में रथ शिमला विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और लोगों से सुझाव लेगा और उन सुझावों को सूचीबद्ध कर देश के प्रधानमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा और उनके आधार पर भाजपा का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि वह देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को फिर से स्वीकार करें ताकि भारत का विकास हो सके। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन घूमेगी और मतदाताओं की अपेक्षाओं को जानेगी और फिर इस रथ यात्रा का समापन होगा। भारत के मन की बात को लेकर के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा एक आयोजन रथों के माध्यम से गांव-गांव जाकर के शहर-शहर जाकर के लोगों की अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करने का ये कार्यक्रम है जिसके आधार पर आगामी समय में लोकसभा चुनाव से पहले जनता की राय हमारे समक्ष आ जाए और उस राय को हम केंद्र के समक्ष प्रधानमंत्री जी के सामने पार्टी के सामने रखें और उसके आधार पर आगामी समय में जो हमारा संकल्प पत्र बनना है घोषणा पत्र बनना है उसमें वो सारे मुद्दे शामिल हों जिसमें जनता की अपेक्षाएं हैं। इन्हीं बातों को लेकर के आज का ये रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये जो भारत के मन की बात को लेकर के जो हमारा इस लोकसभा क्षेत्र में 3 तारीख को समापन होगा मार्च में और आज से हर विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिन तक ये दो दिन तक ये रथ रहेगा और 3 मार्च को शिमला ग्रामीण में इसका समापन होगा।